आज की कथा से दो तीन चीजें बहुत प्यारी सीखी। हमें तोड़ना नहीं है और हमें एक ही नियम रखना है, संयम का नियम रखना है। और तीसरा, हमको छिपना चाहिए प्रभु को, छपना। और आजकल तो हम लोग छप रहे हैं, प्रभु छिप रहे। आजकल यही जमाना है, चेला की फोटो। एक जगह हमारे साथ घटना घटी है, अब घटी है तो बोल देना चाहिए। भारत में एक जगह हमारे साथ उत्तर प्रदेश की घटना घटी, उसने कथा करवाई हमारी, कथा यजमान ने, जैसे माता जी ने करवाई, आपने नहीं, पर यूपी वाले ने, एक ने कथा करवाई यूपी वाले ने। तो उसने क्या किया, बैनर, भारत में बैनर होर्डिंग चलते हैं, बहुत प्रचलन है। तो बैनर में क्या किया कि हमारी फोटो तो छोटी कर दी, अपनी 6 फुट की लगा दी। हम आपकी नहीं कह रहे माता जी, यूपी वाले, अपनी 6 फुट की, ऐसे हाथ जोड़ें, ऐसे हाथ जोड़ें, ऐसे कलश रखें, आइए स्वागत है, हम बिल्कुल छोटी सी चिड़ैया सी कोने पे, जैसे ट्विटर की चिड़ैया हो। हम रात को अपनी गाड़ी से अपने ये झींका मंजीरा वाले बचाने वाले बच्चे बैठार के जा रहे थे, सीताराम सीताराम सीताराम, हमारी बैनर पे नजर गई, हमें लगा कोई नेता आ रहा है, बहुत बड़ी बड़ी फोटो हैं, जूता पहने, हाथ जोड़े, हमें लगा कोई नेता है। ऊपर देखा बागेश्वर धाम सरकार के स्वागत में, अरे हमका गाड़ी रोक। और हमने उतर के देखा कथा यजमान 6.5 फिट का बैनर में, हम एक कोने में, आउट ऑफ एरिया, किनारे की तरफ, छोटे से ऐसे। उसके नीचे लिखा था कथा व्यास बागेश्वर सरकार। जैसे ही हम घर गए तो वो यजमान बोला, गुरुजी आइए आइए, हमका क्या खाक आइए, अब आप ही आप आ गए, हमारा क्या करोगे। बोले नहीं नहीं नहीं, आइए आइए। हम भीतर गए, उसने प्रणाम किया, आरती की, हमने कहा कल्याण हो चेला। धीरे से बोला, तैयारी कैसी लगी। हमका बहुत गजब, पर एक बात बताएं, हाँ आपने रुपया बहुत खर्च किया बैनरों में, हमारी फोटो छपाने की क्या आवश्यकता थी। वो बोला, महाराज जी मतलब, हमने कहा नहीं, मतलब सीधा सा है, काय को कोने में छपवा, अच्छा नहीं लग रहा, आप ही आप। तो उसे समझ आ गया, बोले गुरुजी क्षमा करो। हम कह क्या खाक क्षमा करो, ये कोई क्षमा वाली बात होती है, तुम 6.5 फुट के कम से कम 1.5 फिट के लगा देते, इज्जत बची रहती कि हम बकता हैं। बड़ी आपत। अच्छा, आदमी इतना खतरनाक, आदमी से जीतना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। सुंदर कांड की यही 5 सुंदरता है, कौन कौन सी। सुंदर कांड की पहली सुंदरता भक्त और भक्ति का मिलन, दूसरी सुंदरता आत्मा का महात्मा से, महात्मा का परमात्मा से मिलन होता। सुंदर कांड की तीसरी सुंदरता है माँ सीता द्वारा, हनुमान जी दूत बनकर के गए थे, सुंदर कांड में पूत बनकर के आए, ये भी एक सुंदरता। चौथी सुंदरता, रावण की मूछ हनुमान जी की पूंछ उखाड़ दी। और पांचवी सुंदरता, वक्ता कैसा होना चाहिए, ये सुंदर कांड बताता है। इसलिए सुंदर कांड सुंदर है, इसको जो भी पढ़ेगा उसका उद्धार अवश्य होगा, हनुमान जी की कृपा होगी। और जो प्रति मंगलवार को अपने घर पर राम विग्रह के दरबार के चित्र को रख करके सुंदर कांड का पाठ करता है, वो हनुमान जी का परम भक्त कहलाता है। बच्चे परेशान रहते हो, पढ़ते ना हो, सुंदर कांड का पाठ सुनाइएगा। घर में नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी, तंत्र मंत्र परेशान करता हो, सुंदर कांड के पाठ को करके सुंदर कांड का हवन कर दीजिएगा, घर से तंत्र मंत्र तुम्हारे भाग जाएगा। सुंदर कांड अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका घर भी सुंदर हो जाएगा। यौवन संपन्नता के लिए, जीवन में प्रत्येक संपन्नता को प्राप्त करने के लिए कोई भी साधक अगर अपनी जिंदगी में आने वाले काम में बाधक, कोई बाधा बन रहा है, उस बाधा को मिटाने के लिए सुंदर कांड का अगर आधार लेता है, उसकी बाधा हट जाती है, हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। इसलिए सुंदर कांड सुंदर है, सुंदर कांड। लेकिन हम लोग भी बहुत कम खतरनाक थोड़ी हैं, हम लोगों को अच्छा बुरा ना मानना,
आप लोग तो बहुत पढ़े लिखे हो, झंझट नहीं पालना चाहिए। क्या नहीं पालना चाहिए? झंझट। हम लोग झंझट ही पालते रहते कामों में, पड़ोसी में। रिश्ते बनाना सरल है, निभाना बहुत कठिन है। एक बहुत ऊंचे तार्किक कहते थे, रिश्ते कम बनाइए साहब, पर जितने बनाइए उतने निभाइए। रिश्ते कम बनाइए पर जितने बनाइए उतने निभाइए, वरना रिश्ते मत बनाइए। हम लोग रिश्ते और भाई साहब बरदार हो बरदार, भले ही भाई जो है संकट में जूझता रहे तो कहने को भाई, काम भाई जैसे नहीं। इसलिए हम लोग झंझट पालते हैं, झंझट नहीं पालना है। हम लोगों को प्रसन्न रहना है तो झंझट कम, बुरा मत मानना। ऊंचा उड़ना है तो सामान कम रखिए। जिंदगी में प्रसन्नता चाहिए तो अरमान कम रखिए। इससे याद आया, एक बात और याद आई, फिर प्रश्नोत्तरी करेंगे। एक महात्मा मरे तो अपने चेला को कह गए, बिल्ली मत पालना। क्या ना पालना? बिल्ली मत पाल। अपने चेला को कहेगा तो चेला बड़ा परेशान कि बिल्ली क्यों ना पाल। तो एक दूसरे महात्मा से पूछा कि बिल्ली क्यों ना पाल। बोले दरअसल तुम्हारे गुरुजी के साथ एक घटना घट गई थी, इसलिए तुम्हारे गुरुजी ने ठीक कहा, बिल्ली मत पाल। क्या क्या घटना घटी? बोले तुम्हारे जो गुरुजी थे वो बड़े फक्कड़ थे, जंगल में रहते थे। जब वो गाँव में भिक्षा भोजन मांगने के लिए जाते थे, उस वक्त तुम्हारे गुरुजी की झोपड़ी में चूहा बहुत रहते थे। वो क्या करते थे? गुरुजी का लंगोट काट देते थे। तो गुरुजी हैरान रहते थे, तो गांव वालों से सुनाया कि हमारे कपड़े चूहे काट देते हैं, हम क्या करें। गांव वाले बोले बिल्ली पाल लो, चूहे खा जाएगी, तुम्हारे कपड़े सुरक्षित रहे। बात ठीक थी। महात्मा जी बोले बिल्ली दे दो, बिल्ली ले आए। अब बिल्ली रही, अब बिल्ली को तो दूध चाहिए। तो बिल्ली चूहे तो खा गई, लेकिन अगर नहीं दूध देंगे तो वो मर जाएगी। तो गांव वालों ने तो 10-15 दिन दूध दिया, पर गांव वाले बोले महाराज कब तक दूध दें, अब एक काम करो तुम दूध के लिए गाय ले लो। महात्मा जी बोले अब बिल्ली रखना है तो गाय चाहिए, गाय ले ली। बोले गाय ही लिया। अब जब गाय रख ली तो चारा भी तो चाहिए, क्योंकि बिल्ली को दूध चाहिए, बिल्ली को दूध चाहिए तो गाय चाहिए, और गाय को अगर जिंदा रखना है तो चारा। गांव वाले बोले हम चारा कब तक ला के दें, एक काम करो ये खेत है इसी में चारा बोना शुरू कर दो। महात्मा बोले ठीक। अब एक दो महीना चारा बोया, भजन कम चारे में ज्यादा लग गए, घास फूस, फिर गाय को पानी पिलाना, फिर बिल्ली, फिर दूध निकले, फिर बिल्ली को पिलाना, फिर बिल्ली चूहे खाए। महात्मा बोले ये तो बड़ी झंझट हो गई। गांव वालों से कहा कि भाई ये तो बहुत बड़ी झंझट है। गांव वाले बोले महाराज अब हम साथ नहीं दे सकते, एक उपाय है। क्या? गांव में एक विधवा औरत है, उसको रख देते हैं, वो सेवा करेगी, उसका भी कोई नहीं है और आपको भी सेवादार नहीं चाहिए। महात्मा बोले चलेगा। जब गाय आ गई, बिल्ली आ गई, एक विधवा औरत, वो पहले तो सेवा करती रही गाय की, फिर धीरे धीरे महाराज जी की सेवा शुरू हुई। मामला फिट हो गया। जब मामला फिट हो गया तो बच्चे हो गए। गांव वाले बोले ऐसे काम नहीं चलेगा, फिर बोले शादी करनी पड़ेगी। महात्मा बोले जब यहां तक पहुंच ही गए, अब भाई छोड़ते नहीं बनता था, क्योंकि बिल्ली रखनी, बिल्ली रखनी है तो दूध चाहिए, तो गाय चाहिए, और गाय रखनी है तो घास चाहिए, और घास को लिए वो। अब जब बच्चे हो गए तो शादी हो गई, शादी हो गई तो फिर ये मरे तो फिर चेला से बोले बिल्ली मत पालना। पूरे झंझट की जड़ बिल्ली है, इसलिए ये बिल्ली की तो कहानी है समझाने के लिए आपको, पर इसके पीछे हम तुम्हें समझाना कुछ और चाह रहे हैं। हम तुम्हें पीछे ये समझाना चाह रहे हैं कि तुम झंझट मत पालना। झंझट पालोगे तो बढ़ोगे। अब तुम पे जैसे कार नहीं है और तुमने कार खरीदी तो ड्राइवर चाहिए, फिर कार के रखने के लिए गैरेज चाहिए, फिर डीजल के लिए रुपया चाहिए। झंझट ही मत पालो, कैब बुक करो जय बजरंग बली, चलो चाहे जहां। लोग हमसे पूछते हैं कि आप इतना बाहर रहते, कम रहते, आप इतना
प्रखर होकर के मुखर होकर के बोलते आपको डर नहीं लगता, हमका ना इनकम है ना दिन कम है, अब हमें किस बात का डर है? डर उनको होता है जिनके इनकम हो दिन कम हो, हम तो जय बजरंग बली नगर दम है, भगवान की कृपा घरवाली है नहीं है कि बच्चों की तरफ मुंह देखें। अब किसकी तरफ मुंह देखना है, उनकी तरफ पर देखना है, सो वो हमें देख रहे हैं, हम उन्हें देख रहे हैं। अब इतने में अगर कोई बीच में लपेड़े में आ जाए तो अपने सनातन के लिए हमें बोलना अगर पड़े तो बोल देते हैं, क्या दिक्कत है, इसलिए प्रखर भी है और मुखर भी है। तो लेकिन झंझट मत पालना, जिनके झंझट हो गए वे सहो, क्योंकि उसे तो ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकते, हम तो दूर की बात है। कुछ लोग तो घरवाली के चक्कर में ही हंसते हैं, वो बगल में बैठी होती है उसको देख के हंसते हैं कि वो हंस रही कि नहीं हंस रही। अब भाई झंझट है, आपने रख लिया है, अब पीछे नहीं हो सकते। अब हम आपकी बुराई नहीं करेंगे क्योंकि हमें दो दिन अभी रुकना भी, हम बुराई नहीं कर सकते। जय हो हनुमान जी महाराज, जय भजन। तो जिनके झंझट हो गए वो तो ठीक है, जिनके नहीं भाई वो सुन लो, झंझट मत पालना, नहीं तो महात्मा की दुर्दशा सुन ली तुमने, उनने तो बिल्ली पाली थी। तुम झंझट मत पालना वरना कोई नहीं बचा सकता, हमारे प्रवचन तो बचा ही नहीं सकते।